हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आइए आज बनाते हैं मलाई मालपुआ। मलाई मालपुआ घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही तैयार हो जाता है, तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं। हाफ कप फ्रेश मलाई, एक कप मैदा, एक कप चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, पिस्ता या फिर आप जो और कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई इलायची, 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल, केसर के थ्रेड और थोड़ा सा दूध। तलने के लिए घी या तेल, पर घी में तले हुए मालपुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। सबसे पहले हम मलाई को फेंट लेंगे। अगर ये बहुत ठंडी है तो इसमें गर्म दूध डाल लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे गर्म दूध मिला रही हूँ। गर्म दूध मिलाने के कारण मलाई में कोई भी गुठली नहीं रहती है, ये अच्छे से मैश हो जाता है। बिल्कुल अच्छे से मिल जानी चाहिए मलाई, बिल्कुल एक हो जानी चाहिए, उसमें थ्रेड्स नहीं रहने चाहिए मलाई के। मिल जाने के बाद इसमें मैदा डाल लेंगे और मिला लेंगे। मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम से पूरा मत डालिए नहीं तो गुठलियां हो जाएंगी। ये गाढ़ा हो रहा है तो इसमें दूध मिला लीजिए। गर्म दूध नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए और थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। अगर कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो ही मिलाना है पानी, नहीं तो जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला है, लगभग 2-3 टेबल स्पून। और फिर अच्छे से मैश कर लीजिए, कोई भी गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी इस टाइप की होनी चाहिए, आप देख लीजिए इसमें। और ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, पूरे ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं, आधे ही डालिए, बाकी हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। इस टाइप की कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। और अब हम चाशनी बनाएंगे। 1 कप चीनी और उसमें हमने 1/4 कप पानी डाला है, क्योंकि हमें चाशनी बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, थोड़ी पतली बनानी है। 1 तार की चाशनी जब बनने वाली होती है उसके पहले ही हमें फ्लेम को बंद कर देना है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे तैयार किया है। मीडियम फ्लेम पे इसे बनने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट लगे हैं। और इसमें केसर के थ्रेड और इलायची पाउडर दोनों भी चीज डाल दीजिए। इसकी चाशनी सिर्फ हाथ में थोड़ी सी चिपकनी चाहिए, इतनी ही गाढ़ी चाहिए हमें, बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं चाहिए। कुछ कुछ जलेबी या फिर गुलाब जामुन की जिस टाइप की रहती है बस उसी टाइप की। देखिए ये परफेक्ट तैयार हो गई है, हाथ में थोड़ी सी चिपक रही है। और अब हम इसे बंद कर देंगे और घी गर्म होने रखेंगे। घी गर्म हो जाने के बाद फ्लेम को लो कर दीजिए और फिर इसमें मालपुए तलिए। किसी चम्मच से छोटे छोटे मालपुए डाल लीजिए, या अगर आप बड़े पसंद करते हैं थोड़े बड़े भी डाल सकते हैं। मलाई मालपुआ बहुत टेस्टी बनता है और सबसे अच्छी बात ये घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट से ही तैयार हो जाता है। अचानक कोई गेस्ट आने वाला है तो हम इसे तुरंत बना सकते हैं और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता है। इस तरह से डालते जाइए और पलटते जाइए, दोनों तरफ से इसे तल लीजिए थोड़ा सा गोल्डन होने तक। फिर इसका घी निकाल लीजिए और पेपर टॉवल पे आप इसे निकाल के रख सकते हैं। चाशनी में हमें इसे ठंडा होने के बाद ही डालना है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा गुलाब जामुन जैसा लगता है। सभी मालपुए तल जाने के बाद में फिर से चाशनी गर्म करनी है हमें और फिर उसमें इन मालपुओं को डालना है। बहुत टेस्टी, बहुत क्रिस्पी तैयार हो रहा है ये मालपुआ। चाशनी थोड़ी सी गर्म कर ली है और अब हम इसमें मालपुए डाल देंगे। जितने इजीली आ सकते हैं उतने ही डालिए और ऊपर से चाशनी डाल लीजिए इसमें, ऊपर नीचे कर लीजिए और लगभग 1.5 से 2 मिनट ही इसे चाशनी में रहने दीजिए और फिर निकाल लीजिए और रबड़ी के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत टेस्टी लगते हैं रबड़ी के साथ ये, और नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। रबड़ी कैसे बनानी है इसकी लिंक स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी हुई है। लीजिए तैयार है मलाई मालपुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन रेसिपी चिरोटी। इसे हिंदी में खाजा भी कहते हैं। आइए बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप बारीक वाली सूजी, 1 पिंच नमक, 1/2 कप बूरा चीनी या सादी चीनी पिसी हुई, तलने के लिए तेल, 3 टेबलस्पून घी और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। सूजी और मैदा मिला लिया है, उसमें नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून घी विदाउट मेल्ट किए इसमें अच्छे से मिला लीजिए। मेल्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही डाल दीजिए और अच्छे से मैश कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए। इसमें हमने सूजी डाली है इसलिए थोड़ा पानी थोड़ा ज्यादा डालिएगा इस समय, क्योंकि जब हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे तब इसकी सूजी फूल जाएंगी और आटा थोड़ा हार्ड हो जाएगा, इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा डालिए और सॉफ्ट आटा तैयार करिए और सेट होने के लिए कम से कम 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। आटा तैयार हो गया है, अब हम इसे ढक के 1/2 घंटे के लिए रख देंगे। मैंने दूसरे बाउल में डाल लिया है और अब कॉर्नफ्लोर और बचा हुआ घी, घी को हमने मेल्ट नहीं किया है, इसे मिला के अच्छे से फैट लेंगे। ये एकदम फ्लफी हो जाएगा, इतनी देर तक इसे फैटना है, ये एकदम स्मूथ हो जाए। इसमें थोड़ी हवा भर जाती है, उसकी वजह से चिरोटे बहुत अच्छे बनते हैं। देखिए स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। ये इतने आटे के लिए काफी है, हम इसकी 5 रोटी बनाएंगे इस आटे की और उसमें लगाएंगे, उसके लिए इनफ है। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो ज्यादा ले लीजिए और अच्छे से फैट लीजिए और एक छोटा बाउल लीजिए, उसमें पानी में इस फ्लफी बैटर को डाल के देखिए, अगर ये नहीं डूब रहा है इसका मतलब ये तैयार है हमारे चिरोटे के लिए। देखिए मैं पानी में डाल रही हूँ फिर भी ये ऊपर ही आ जा रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम आटे को थोड़ा सा अच्छे से सान लेंगे, फिर से हाथ से प्रॉपर कर लेंगे इसे और छोटे छोटे 5 लोई तैयार कर लेंगे और इन सभी लोइयों की रोटी बेलेंगे। पतली रोटी बेलना है हमें यहाँ पे, एकदम मोटी रोटी नहीं बेलना है। सूखा मैदा लगाते जाइए और बेलते जाइए और सभी एक साथ बेल के रख लीजिए, उसके बाद हम चिरोटे तैयार करेंगे। देखिए एक तैयार हो गई है, इसी तरह से हम सभी तैयार करके रख लेंगे और फिर एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर हम ये जो हमने फ्लफी बैटर तैयार किया था उसे लगा लेंगे। इसे हम साटन भी कहते हैं मराठी में और इसे पूरा अच्छे से लगा लिए, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। दूसरी रोटी भी रख दी है, उसके ऊपर भी लगा लीजिए, तीसरी रख दीजिए उस पे भी लगा लीजिए। इसी तरह से सभी रोटियां एक पर एक रखते जाइए और ऊपर से इस बैटर को लगाते जाइए। ये हमने सबसे लास्ट वाली 5th रोटी भी रख दी है और उसके ऊपर भी अच्छे से इस बैटर को लगा लिया है और अब हम इसका एक रोल तैयार करेंगे। एकदम टाइट रोल तैयार करना है हमें। देखिए परफेक्ट उतना ही तैयार हुआ था, फ्लफी बैटर जितना हमें चाहिए था और हो गया है। अब हम इसकी टाइट रोटी, सॉरी रोटी नहीं, टाइट रोल तैयार कर लेंगे और फिर इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे हमें 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इसका टाइट रोल तैयार हो गया है। अब आपको जितने बड़े चिरोटे चाहिए उस हिसाब से इसके कट्स कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े कर रही हूँ और इसको हमने 1/2 घंटा फ्रिज में रख दिया है और फ्रिज में से निकालने के बाद इसकी छोटी छोटी पूरी बेल लीजिए। बहुत ज्यादा पतली नहीं बेलना है, थोड़ी सी मोटी रखना है, रोटी जैसी ही रखना है और सभी बेल के तैयार कर लीजिए और कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दीजिए या फिर आप घी में चाहते हैं तो घी में तल लीजिए, पर रिफाइंड ऑयल में भी अच्छा लगता है। और लो मीडियम फ्लेम पे इसे दोनों तरफ से पलट पलट के तल लीजिए।
तलने के बाद हमें इस पे पिसी हुई चीनी लगानी है। वैसे मैं यहाँ पिसी हुई चीनी ही यूज कर रही हूँ, बूरा चीनी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पिसी हुई चीनी भी यूज कर सकते हैं। और गर्म चिरोटे पे ही हमें चीनी लगानी है या फिर बूरा चीनी लगानी है। देखिए परफेक्ट तैयार हो गया, इसमें कितने सारे लेयर्स बन गए हैं और ये बहुत खस्ता बना है, इसे हम हिंदी में खाजा भी कहते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट तैयार हो गया है। अब हम इस पे चीनी डाल लेंगे। मैं यहाँ पे चाय की छन्नी यूज कर रही हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं। बूरा चीनी डालने के कारण इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि बूरा चीनी पिसी हुई चीनी से टेस्टी लगती है। लीजिए तैयार है हमारे चिरोटे, इसे एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए और 15 से 20 दिन तक इसे रख सकते हैं।